بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान पाक की सूरत में जिसका नाम असरा है, 15वां सिपारा शुरू है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके माहौल या जिसके इर्द गिर्द पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएँ। बेशक वो हर बात सुनने वाली, हर चीज़ देखने वाली ज़ात है, यानी कि रब ताला। इस वाक्य का इसका थोड़ी सी तफसील ये है कि इस जो कुरान पाक की जो आयत मुबारक है, इसमें मेराज शरीफ के वाक्य की तरफ इशारा है, जिसकी तफसील हदीस और सीरत की किताबों में भी आई है। उसका ख़ुलासा ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रात के वक़्त उन्हें एक जानवर पर सवार किया जिसका नाम बुराक था। वो इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ आपको मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक ले गई ये बैतुल मुकद्दस तक ले गया। ये सफ़र मेराज का पहला मरहला था, जिसे इसरा कहा जाता है। फिर वहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको सातों आसमान पर ले गए। हर आसमान पर आपकी मुलाकात पिछले पैगंबरों में किसी पैगंबर से हुई, यानी कि मुख्तलिफ पैगंबरों से होती गई। उसके बाद जन्नत के एक दरख्त सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ़ ले गए और आपको अल्लाह ताला से बराहे रास्त हम कलामी का शर्फ अता हुआ। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज फरमाई। फिर रात ही रात में आप वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए। इस आयत मुबारका में सफ़र के सिर्फ एक यानी कि पहले हिस्से का बयान इसलिए किया गया है कि आने वाले तذکرے से इसका ताल्लुक ज़्यादा, यानी कि आने वाले जो तذکرہ था उससे ज़्यादा ताल्लुक था। अलबत्त सफ़र के जो दूसरे हिस्से का जो तذکرہ है सूरतुन नजम में भी यानी कि आया है। सही रिवायात के मुताबिक ये मुआजजाना सफ़र बेदारी की हालत में था और इस तरह अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की एक अजीम निशानी आपको दिखाई गई थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये वाकया बेदारी के बजाय ख्वाब में दिखाया गया था, क्योंकि ये बात सही अहादीस के ख़िलाफ़ तो है ही, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर बयान फरमा रहा है, यानी कि ये गैर मामूली वाकया था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी एक निशानी करार दिया है। अगर ये सिर्फ एक ख्वाब का वाकया होता तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इंसान ख्वाब में बहुत कुछ देखता रहता है, फिर इसे अपनी एक निशानी करार देने के कोई मायने नहीं थे। तो इसलिए लोगों की इस बारे में ये बातें करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो वाकया पेश आया ये ख्वाब में था, बिल्कुल बेबुनियाद है, अहादीस और कुरान पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मुनाफी है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातें सुनना जो है वो गुमराही के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर तरह की गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मतलब ये तो सिर्फ एक हिस्सा है शब मेराज की रात का पहला, और एक हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया, इसका बहुत लंबा वाकया है और बहुत सारे मराहिल हैं। जब महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर यानी कि सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे, तो उस वक़्त फ़रिश्ता जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा के पास जाकर कहा कि अगे जे मैं जावा मेरे पर जल दे अगलियाँ रामा ने सरकार वास्ते, यानी कि इससे आगे महबूब खुदा खुद ही तशरीफ़ ले जाए, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब महबूब खुदा अरशे मुआला पर वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर फरिश्ता जिब्राइल भी नहीं गए,
और बशर में सबसे अफजल बशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम तशरीफ़ ले गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मौला पर तशरीफ़ लेकर गए, आप अपने नालाने पाक उतारने लगे तो आवाज़ आई कि महबूब ऐसे ही तशरीफ़ ले आए, जूतों में तशरीफ़ ले आए। इधर हम जब कुरान पाक में पढ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सहराओं में, मूसा अलैहिस्सलाम को सर्दी लग रही, उनकी अहलिया भी साथ थी, तो जब इधर वाकया देखें कुरान पाक में कि उनको सर्दी लग रही, तो उन्होंने देखा कि आग, एक दूर से आग नज़र आ रही है, तो उन्होंने अपनी अहलिया को कहा कि यहाँ खड़ी हो, मैं जाकर वो आग लेकर आता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले और जिस वक़्त वो आग के पास पहुँचे तो देखा जो आग थी वो दरख्त के पत्तों को छू रही थी, लेकिन दरख्त के पत्ते जल नहीं रहे थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने घास ली कि मैं इस घास पर आग लगा कर अपनी अहलिया के पास ले जाऊंगा। तो जब उन्होंने घास करीब की तो वो जो मतलब आग थी वो पीछे हट गई, और मतलब घास को भी वो जला नहीं, घास भी नहीं उससे जल नहीं रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए। इतने में गैब से आवाज़ आई कि ऐ मूसा, आप वादी तुवा में हैं, आप मुकद्दस वादी में हैं और मैं ही तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दीजिए। नबी को हुक्म आ रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आ रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा अपने जूते उतार दीजिए। और यहाँ शबे मेराज की रात महबूब खुदा सल्लम जब अर्शे अल्लाह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हुक्म आ रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि महबूब ऐसे ही आ जाए, जूता उतारने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी मुकम्मल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कैसे पता चला कि ये अल्लाह ताला ही उनसे मुखातिब है? इस तरह से पता चला, जवाब उसका ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह पता चला कि अल्लाह ताला की ही गैबी आवाज़ है। इस तरह पता चला कि जो आग है वो पत्तों को नहीं जला रही थी, बहुत हैरान कुन था, और जो आग है वो घास को भी नहीं जला रही थी, ये भी हैरान कुन था। और इसके अलावा उनका दिल इतना मुतमईन था और पुरसकून था, और दिल ये कह रहा था कि ये अल्लाह ताला की ही आवाज़ है। अब अल्लाह ताला अपने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम है वहाँ पर वादी तुवा में। और जब आकाए दो जहाँ जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात, ये जो शबे मेराज की रात है, अर्शे मौला पर तशरीफ़ लेकर गए हैं, तो मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर उनको नाला ने पाक फरमाया कि ऐसे ही आ जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब ताला करीब होते गए आज की रात, और करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए, इतना करीब हो गए कि सिर्फ दो कमान का फासला रह गया था। और दो कमान का फासला दो बालिश भी कहा जा सकता है, वल्लाहु आलम। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से मोहब्बत में या बहुत ही प्यार में तोहफा अता किया। जब हम किसी, कोई मेहमान आता है, मेज़बान कौन है? रब ताला। मेहमान कौन है? महबूब खुदा। यानी कि मेहमान भी इतना अजीम, और मेज़बान की अजमत की तो क्या कहने, कि इतना अजीम मेज़बान यानी कि रब ताला, इतनी सिफात का हामिल, इतनी सिफात का हामिल कि कुरान पाक में रब ताला फरमाता है कि अगर सातों समंदर, तमाम समंदर स्याही बन जाए और वो तमाम के तमाम रब ताला की सिफात पे बयान करते हुए गुजर जाए तो भी रब ताला की सिफात ख़त्म नहीं होंगी। और समंदर लाए जाए, और स्याही बनाई जाए, और सिफत अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाए तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और अल्लाह ताला की सिफात ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये तो वो मेज़बान है, इतना बड़ा मेज़बान है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया, और वो महबूब है जिसके लिए कायनात को तख्लीक किया गया। अब इतना बड़ा मेज़बान हो और इतना आला मेहमान हो तो कुछ कीमती तोहफा होना चाहिए, बहुत ही कीमती तोहफा, कि जिस तोहफे से बढ़कर पूरी कायनात में कोई कीमती चीज़ ही ना हो। अब रब ताला क्या दें अपने महबूब को, क्या सोनी, सोने चांदी डायमंड्स दे दें वो, तो या फिर ज़मीन दे दें, प्लॉट्स दे दें जिसमें हम मरते फिरते हैं, सोना दे दें जिसमें हम मरते फिरते हैं, ये कुछ कैश पैसा वगैरह क्या दे दें कि जो कि बहुत कीमती हो। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने चांदी के पहाड़ पेश किए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उसको पसंद नहीं किया था और रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि फानी है। तमाम प्लॉट्स, जेवरात, सोना, चांदी, एवरीथिंग जो है फानी है। बाकी क्या है? अल्लाह की ज़ात है। बाकी क्या है? कलामुल्ला है। बाकी क्या है? नमाज है। अब अल्लाह ताला अपने महबूब को इतना कमतर तोहफा तो नहीं दे सकते थे कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के हाथ में पूरी कायनात एक सरसों के दाने की मानिंद रख दी। तो क्या एक सरसों के दाने को गिफ्ट देंगे अपने महबूब को? ना, वो तो बहुत कमतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो कीमती तोहफा दिया कि जो पूरी कायनात में उससे कीमती तोहफा था ही नहीं। वो क्या था? नमाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब खुदा को 50 नमाजें तोहफे में दे दी। अब महबूब खुदा 50 नमाजें लेकर तशरीफ ला रहे हैं आसमान से, मतलब नीचे आसमानों पर आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आका को देखा। अब यहाँ पर एक और फिर वाक्य आ जाता है, बहुत मुफसल है, इसलिए बहरहाल मजीद शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत मुबारका से पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा, तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अर्ज़ की कि मौला अपना दीदार करवा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़रा सी तजल्ली पहाड़ पर की, जो पहाड़ था वो जल कर राख हो गया, और जो उसकी तजल्ली थी वो रिफ्लेक्ट होकर जब मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का नूर चला गया टेम्परेरी, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी आंखों का नूर वापस लौटा दिया था। बात यहाँ पर ये हो रही थी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम है वो इनडायरेक्ट यानी कि रिफ्लेक्ट हुई भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो महबूब खुदा वो हस्ती हैं जो रूबरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर बैठे और रब महबूब को तक रहे थे और महबूब रब को तक रहे। अब शबे मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो जो पेंडिंग हसरत थी, वो जो ख्वाहिश थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, वो भी पूरी फरमा दी। कैसे? कि मूसा अलैहिस्सलाम महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के चेहरे में रब को देखते थे। यानी कि रब का दीदार जो है वो शबे मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम ने महबूब के चेहरे से किया। अगर उनको लुत्फ आना शुरू हो गया कि रब का दीदार करे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, जाएं कम करवाएं। तो जब नबी करीम सल्लम ऊपर गए, नमाजें कम करवाईं, फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भेजा, फिर ऊपर गए, फिर और नमाजें कम करवाईं, फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, फिर कम नमाजें करवाई, ऐसे करवाते हुए 5 नमाजें सिर्फ बाकी रह गई थी। तो अब जब 5 नमाजें रह गईं तो मूसा इस्लाम ने कहा कि जाएं और नमाजें कम करवाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नमाजें मैं नहीं कम करवा सकता, मतलब कि मुझे शर्म आती है। अब बात यहाँ पर यह कि मूसा अलैहिस्सलाम क्यों बार बार भेजते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इसलिए कि बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास जाते थे और आते थे, तो वो बार बार फ्रेश आपके चेहरे में रब का दीदार करते थे। इससे बहुत इस बात से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, तो होता रहे, कोई बात नहीं। तो बात यही थी कि फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और बशारत आज की रात दी कि जो 5 नमाजें हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आपकी उम्मत का शख्स 5 नमाजें अदा करेगा उसको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये भी एक तोहफा था। फिर इसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतियों की भी सैर करवाई गई, और जो जहन्नुम में लोग जल रहे थे, कोई कुरान पाक को पढ़कर भूल गया था तो उसको ज़मीन में धसाया जा रहा था, कोई चुगली करने वाले, कोई गीबत करने वाले, और कोई यानी कि जिना करने वाले, बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ गुनाहों में रिश्वत खाने वाले, उनके पेट से सांप निकल रहे थे, इस तरह बहुत सारे अजाबात हो रहे थे जो मैं बयान नहीं कर रही इसलिए कि मेरा दिल कमज़ोर है, मुझसे बयान नहीं होगा। तो इतने सारे वाकयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की रात देखे थे कि जो उनकी उम्मत के लोगों को दिए जा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसे गुनाहों से महफूज फरमा ले कि जिनके ऊपर ऐसे ऐसे अजाबात हैं कि कोई ज़ुबान के बल लटका हुआ है, कोई औरतें जो अपनी मतलब ब्रेस्ट दिखाती हैं वो छातियों के बल लटकी हुई हैं, तो किसी के पेट से सांप निकल रहे हैं, किसी के पेट में सांप भरे हुए हैं, किसी को ज़मीन में 70 हाथ धसाया जाए,
कैसे कैसे यानी कि अजाबात जो हो रहे थे, तो वो अल्लाह ताला हमें सबको उस अजाबात से हिफाजत फरमा ले और ऐसे अमाल से ही हम सबको बचा ले। बेशक हम बहुत कमजोर और नातवा हैं, हमारे अमाल किसी काबिल भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको झूठ से महफूज फरमाए, चुगलियों से महफूज फरमाए, रीबत से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की अल्लाह ताला नजरों की हिफाजत फरमाए, हम सबको शर्म व हया वाली नजरें अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला दे। अल्लाह ताला हमें कारी बना दे, तिलावत करने वाला बना दे, नमाजी बना दे। आज की रात जो तोहफा मिला है अल्लाह ताला नमाजों का, अल्लाह हम सबको नमाजे पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सब की औलादों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा नहीं कहा, सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला सभी के लिए खैर वाफियत फरमा दे। सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा दे, रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा दे। तंगियां परेशानियां बेचैनियां बेकरारियां तकलीफें अल्लाह ताला दूर फरमा दे। अल्लाह जो भी औलाद अता फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों के कर्जे अदा करवा दे, सब पर अपनी खास रहमत बरकतें नाजिल फरमा दे। जो मांगा जो नहीं मांग सके कबूल मंजूर फरमा ले।